ये गाइस देखो ये सब हो गया तो इस वजह से सारा प्लान चौपट हो गया हमारा, मतलब दर्द हो रहा। क्या 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 कहना चाहते हैं? तो चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा, क्या होगा। अमृतसर से सीधा यहाँ पे लैंड होना था। तेरे व्यूअर्स वेट कर रहे थे। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये गाइस देखो गोलगप्पों का असर ऐसे यहाँ होता है। गोलगप्पे तो थोड़ा गाइस थोड़ा संभल के, बिकॉज गोलगप्पे कैन लैंड यू इन हॉस्पिटल। मेरे को तो उसी का लग रहा है क्योंकि उसके बाद ही तेरे को ये शुरू हुआ है। चलो सिचुएशन अंडर कंट्रोल। डन डन तेरा डन होना चाहिए ना। तू कर कुछ नहीं करना ना, ये पेन हो रहा है लेकिन थोड़ा मुझे बचाओ। नहीं कर रहा है वो करना है प्लास्टिक का जो है ना, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का पेन करता ही है। ब्लीडिंग का तो इशू नहीं होगा ना? नहीं 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 स्टॉपर लगा है, बस इसे मत खोलना उस स्टॉपर को। ना जब लेट हो ना एक ऐसे काट कर एक साइड में करके लेट ना खिलाना। मतलब ये अब सुबह जो आएंगे सिर्फ निकालने के लिए आएंगे इसको, दैट्स ऑल। अगर जरूरत पड़ी तो और लगवाएंगे, हाँ, अदरवाइज नहीं। फिर ट्रीटमेंट खत्म। आउट कर देना है। हाँ जी ये चैटर ब्लॉग है। यस राइट 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 राइट। देखो उठने में प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, चलने में वीकनेस कुछ लग रही हो टेल अस, अगर है कुछ तो फिर अभी तो एडमिट हो जा फिर। हाँ अभी खाना नहीं है, पूछ लिया क्या खाने का पूछ लेते हैं। आपको मैं थैंक यू करूं निशा भाभी, आपको ब्लॉग में आना ही आना पड़ेगा अभी। इन्होंने मतलब मेरी इमरजेंसी मोड में इतनी ज्यादा हेल्प की है, थैंक यू निशा। और क्या, अपना सारा काम छोड़ के हमारे साथ रहे, वो साथ आए हैं हमारे लिए। यू आर मोर देन इंपॉर्टेंट देन अदर पर्सन। थैंक यू आई एम रियली लाइक ब्लेस्ड लव, क्या बोलना। थैंक यू। द नेक्स्ट डे रोना नहीं ज्यादा, फोन करना। ये मिर्ची की है, हो सकते हैं मेरे को ऐसे पहचान है नहीं, ये भी बैंगन ही है। क्या बात है, खाली है पूरा कैबिन आपका तो? खाली सुना ली सुना ली, कैबिन खाली है। कोई स्टॉपेज है ना साइड वाली? एक तो कोई नहीं। सानू ओए सानू 35 ये है ना, 35 ये है ना। मन नहीं कर रहा जाने का। ओके सोनल चलो भैया बाय बाय, ठीक है मिलते हैं फिर और आते रहना गुलशन जी। ओके चलो। तो गाइज हम इनको सी ऑफ करके हम लोग निकल चुके हैं, पर ये मुझे फिर से सी ऑफ करने आ रही है। डाउन तो हो गया तेरे ट्रेन का, देख डाउन हो गया देखा कहीं यहाँ पे।
आपकी जो चेहरे पे 12 बजे हुए वो दिखा रही हूँ। परेशान क्यों हो जाते हो इतना? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दिस मेक्स मी फील वरिड। ये और पर्टिकुलरली ये, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी। इसका कारण भी बता दो मैंने सबको। कारण ये है कि हमने अमृतसर में इतना मस्ती की, इतना कुछ खा लिया कि मेरे पेट में मतलब इतना ज़्यादा दर्द हुआ, उसके वजह से मुझे ये मेरी हालत है। पेन जो था ना वो अनबेरेबल था, वॉक तक नहीं कर पा रही थी। तो इमरजेंसी में मुझे कल रात में लेके आए थे, फिर उसके बाद आज डॉक्टर से कंसल्ट करवाया, उन्होंने फिर कहा, पूछा कि कैसा क्या है, थोड़ा पेन था तो उन्होंने फिर ये करवा दिया और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। दर्द होगा। आपने पहले भी नहीं बोला था मुझे कि दर्द होगा, बट इट विल जस्ट बी अ सेकंड ऑफ पेन। डन। एक किन्ने दिन तक रखनी है? तो गाइस कल हम इस चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, अदरवाइज हमारा प्लान था और भी घर पे बहुत सारी मस्ती करने का, लेकिन ये सब हो गया तो इस वजह से सारा प्लान चौपट हो गया हमारा। मतलब जितनी हमारी शाम सुबह से लेके दोपहर तक का दिन जितना अच्छा गया, शाम में थोड़ा सा मतलब हमें लगा कि यार कमी रह गई कुछ, तो इसलिए हम कल ब्लॉग का हम एंड भी नहीं कर पाए। तो आज नेक्स्ट डे है, जो ब्लॉग आप देख रहे हैं उसका नेक्स्ट डे है ये। मेरी सिस्टर और हमारे जवाई मतलब उनके हस्बैंड, वो दोनों आज सुबह की गाड़ी से चले गए हैं, हम फिर से हॉस्पिटल में आए हैं और मेरी वजह से सब परेशान हो गए। और विल एंड दिस ब्लॉग राइट हियर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड शी इज़ ओके नाउ, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, टेक केयर, गुड बाय।